नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट URA TPG 2021 एवं यूनिराज MPAT 2019 एंड 2020 के संदर्भ में महत्वपूर्ण अपडेट्स जारी की गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन अपडेट्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। URA TPG 2021 एंड MPAT 2019 एंड 2020। सबसे पहले हम बात करेंगे MPAT 2019 एंड 2020 के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर यूनिराज MPAT 2019, संशोधित यूनिराज MPAT 2019 एंड 2020 के एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि के लिए सूचना। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 15 दिसंबर 2021 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 30 दिसंबर 2021 को पूर्व में जो एग्ज़ाम डेट निर्धारित की गई थी, 30 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई थी, इसे चेंज कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021। अर्थात MPAT 2019 एंड 2020 का एग्ज़ाम 31 दिसंबर 2021 को होगा। एडमिट कार्ड हम डाउनलोड कर सकते हैं 23 दिसंबर 2021 से। यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया गया है 31 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम है लिया जाएगा। अब बात करेंगे हम URA TPG 2021 के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। डाउनलोड सब्जेक्ट वाइज फाइनल आंसर कीच, डाउनलोड स्कोर कार्ड। यहाँ से भी हम स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी हम फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से भी हम जो PDF फाइल है डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोर कार्ड के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। डाउनलोड स्कोर कार्ड, एंटर फॉर्म नंबर, एंटर मोबाइल नंबर एंड सबमिट पर क्लिक करके हम अपना जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। URA TPG 2021 फेज सेकेंड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं और यहाँ पर भी हम जो PDF फाइल है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय फेज के लिए आवश्यक निर्देश। स्नातकोत्तर विभागों में प्रवेश हेतु URA TPG 2021 फेज फर्स्ट के परीक्षार्थी जिन्होंने फेज फर्स्ट में भाग लिया है, एग्ज़ाम दिया है, जिनका स्कोर कार्ड जारी किया गया है, वे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो निर्देश जारी किए गए हैं फेज सेकंड के अंतर्गत। फेज द्वितीय में 5 पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में आवेदन करने का शुल्क 100 रुपये रहेगा। तो इन विद्यार्थियों को यहाँ पर लॉगिन होकर अपने जो विषय से संबंधित 5 जो पाठ्यक्रम है उनका चयन करना होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर 100 रुपये का जो निर्धारण है किया गया है। जितने चाहे वो चयन कर सकते हैं। यहाँ पर 5 विषय दिए होंगे, उनमें से किसी का भी चयन कर सकेंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर 100 रुपये का जो निर्धारण है किया गया है। लॉगिन करने पर अभ्यर्थी को उनके द्वारा चयनित परीक्षा विषय टेस्ट सब्जेक्ट के अनुरूप उपलब्ध पाठ्यक्रमों की जानकारी मिलेगी। यहीं पर अभ्यर्थी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों अधिकतम का चयन कर सकते हैं। तदनुसार शुल्क की गणना की जाएगी और भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी को कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना है, लेकिन उससे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी उपयुक्त कॉलम में अंकित करना आवश्यक है, जैसे NCC है, NSS है, स्पोर्ट्स है, PHA, कास्ट कैटेगरी है इत्यादि।
भुगतान करने के पूर्व अभ्यर्थी पूर्व में दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच ले एवं किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे सुधार ले। भुगतान करने के पश्चात किसी भी प्रकार का जो सुधार है भुगतान करने के पश्चात किसी भी प्रकार का जो सुधार है वो नहीं किया जा सकता, तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। भुगतान करने के पूर्व अभ्यर्थी पूर्व में दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच ले एवं किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे सुधार ले। भुगतान होने के पश्चात सुधार संभव नहीं होगा। भुगतान करने के बाद प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट लेना आवश्यक है। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की प्रतिलिपि चयनित विभाग में जमा कराना आवश्यक होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का जब हम प्रिंट लेंगे तो उसमें हमें दस्तावेज कौन कौन से जमा कराने हैं उसकी जो लिस्ट है वो भी हमें मिल जाएगी। प्रतिलिपि जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश से वंचित रहेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां हैं 18 दिसंबर 2021 से द्वितीय फेज के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अंतिम तिथि रहेगी 20 दिसंबर 2021। 18 दिसंबर 2021 से लेकर 22 दिसंबर 2021 तक हम संबंधित जो विभाग होगा उसमें हमें संबंधित जो एप्लीकेशन फॉर्म है और आवश्यक जो दस्तावेज हैं 4:30 तक हम जमा करा सकते हैं, तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। अब बात करेंगे हम फाइनल आंसर कीज के संदर्भ में, तो दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो है इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर हमें जो फाइनल जो आंसर कीज है उनके बारे में जानकारी मिलेगी। दिए गए लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं हमारे सामने पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। यहां पर लिखा मिलेगा फाइनल आंसर कीज एंड सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम। इस तरह से आप जो फाइनल जो पीडीएफ फाइल है वो आसानी से फाइनल जो आंसर कीज है आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद अचसम के साथ। जय हिंद, जय भारत।